हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर और इस वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाला हूं इंटरेस्टिंग वीडियो एक 15 मोस्ट डेंजरस बॉलर्स हु ब्रोक द बैट्समैन बैट। 15 डेंजरस बॉलर्स को देखेंगे हम इस वीडियो में जिन्होंने बल्ला तोड़ दिया भाई, बॉल फेंकी और बैट टूट गया। शोएब अख्तर के बारे में तो मुझे पता है, उनका तो मैंने देखा हुआ था काफ़ी सालों पहले कि उन्होंने बल्ला तोड़ा है, स्टंप तोड़ा है और पता नहीं क्या क्या तोड़ा है, सर फर लोगों का हेलमेट भी तोड़ दिया है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैटारी नाउ। क्रिकेट के 10 तेज गेंदबाज जिन्होंने अपनी रफ्तार का तड़का लगाया और बैट्समैनों का बल्ला ही तोड़ दिया। दोस्तों, दुनिया में क्रिकेट में कई ऐसे गेंदबाज हैं जो रफ्तार की जंग में सबको पीछे छोड़ चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बॉलर हैं जो अपनी रफ्तार का तड़का लगाते हैं और बैट्समैनों का बैट टोटे टोटे कर देते हैं। वैसे दोस्तों, इन बॉलर्स का साथ बल्लेबाज भी देते हैं, इसीलिए तो इनके हाथ में पकड़ा हुआ बल्ला कई टुकड़ों में बदल जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही लम्हात दिखाने वाले हैं जब बल्लेबाजों के बैट को टूटते हुए देखा गया। नंबर वन, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच में एक ऐसा ही लम्हा देखा गया जब पैट कमिंस की गेंद ने मन्नरों का बल्ला तोड़ दिया। दरअसल ये गेंद 140 की स्पीड से आ रही थी और मन्नरों ने अपना सारा ही जोर लगा दिया, जिसके नतीजे में इनके हाथ में पकड़ा हुआ बैट दो टुकड़ों में बदल गया। अगर इनका बैट ना टूटता तो शायद ही कोई फील्डर इस गेंद को बाउंड्री के बाहर जाने से रोक सकता। इतना जोर से तो नहीं मारा था यार ये। नंबर टू, ब्रैटली। दोस्तों, ब्रैटली की गेंदबाजी के बारे में तो आप सब जानते हैं, इनकी रफ्तार कितनी ज्यादा है। ऐसा ही एक लम्हा बिग बैश लीग में देखने को मिला जब ब्रैटली ने अपनी तेज गेंदबाजी से बैट्समैन का बल्ला ही तोड़ दिया। इस बॉल की स्पीड लगभग 150 किलोमीटर फी घंटा थी। बैट्समैन ने इसे सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश की, जिसके नतीजे में बैट टूटा और पिच के दरमियान जा गिरा। नंबर थ्री, प्रवीण कुमार। दोस्तों, ये वीडियो क्लिप आईपीएल के एक मैच का है जब प्रवीण कुमार बल्लेबाज को गेंद करते हैं तो वो स्टेड की तरफ जोरदार तरीके से खेल देता है। इसमें गेंदबाज की कोई काबिलियत नहीं होती क्योंकि वो 130 की स्पीड से गेंद करता है, लेकिन बैट्समैन इतना जोर लगा देता है कि बल्ला टोटे टोटे हो जाता है। नंबर फोर, इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया। ये लम्हा उस वक्त देखने को मिला जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट मैच खेला गया। इस मैच में अमीश यादव ने 145 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकी, जिसका नतीजा ये निकला कि मैक्सवेल का बैट दो टुकड़ों में बदल गया। गेंद की रफ्तार इतनी थी कि बल्ला अल्टी पल्टी खाकर 5 दफा घूमता हुआ जमीन पर जा गिरा। नंबर फाइव, गौतम गंभीर का बैट। आईपीएल के एक मैच में गौतम गंभीर बैटिंग के लिए आए तो इन्होंने आते ही अपना बैट तोड़ दिया। इस मैच में गेंदबाज का कोई कमाल नहीं था, बल्कि बल्लेबाज ने शायकीने क्रिकेट को इंटरटेन करना था, इसीलिए तो इन्होंने फास्ट बॉलर को आगे बढ़कर खेला और अपना बैट दो टुकड़ों में बदल लिया। नंबर सिक्स, कीमा रोच। वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर कीमा रोच ने जिम्बाब्वे के खिलाफ एक ऐसा यॉर्कर किया जिसने जिम्बाब्वियन बल्लेबाज का बल्ला ही तोड़ दिया। इस बॉल की स्पीड लगभग 140 किलोमीटर फी घंटा थी और ऊपर से यॉर्कर किया था, जिसे बैट्समैन ने रोकने की कोशिश की और अपना बल्ला ही तड़वा बैठा। मुझे लगा जमीन में दे मारा। नंबर सेवन, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच में एक ऐसा ही लम्हा देखने को मिला जब बल्लेबाज का बैट टूटता हुआ देखा गया। दरअसल ये एक टेस्ट मैच था और ऑस्ट्रेलियाई बॉलर की एक तेज गेंद ने बल्लेबाज का बैट दरमियान से तोड़ दिया। देख रहे एक दूसरे को हुआ क्या ये। नंबर एट, दोस्तों, क्रिकेट का ये लम्हा देखने के लायक था क्योंकि यहाँ तेज गेंदबाज नहीं बल्कि स्पिनर ने अपने जादू का जलवा दिखाया और बल्लेबाज का बैट तोड़कर सबको हैरान कर दिया। ये जादू बिग बैश लीग में देखने को मिला जब स्पिनर की एक स्लो गेंद ने बल्ला ही तोड़ दिया।
नंबर 6 दिलशान। दोस्तों ये वीडियो क्लिप श्रीलंका और अफगानिस्तान के मैच का है, जब दिलशान बैटिंग कर रहे थे और अफगानी बॉलर की एक तेज गेंद ने इनका बल्ला तोड़ दिया। हालांकि दिलशान ने गेंद को सिर्फ रोका ही था, मगर फिर भी इनके बैट को दो टुकड़े होते हुए देखा गया। नंबर 10 लुक राइट। ये क्लिप इंग्लिश काउंटी क्रिकेट का है, जिसमें लुक राइट फॉर्म में दिखाई दे रहे थे और अच्छी खासी बैटिंग कर रहे थे। अचानक से बॉलर की गेंद को ये जोरदार तरीके से खेलती हैं, जिसकी वजह से इनका बैट टूट जाता है, मगर गेंद फिर भी ग्राउंड के बाहर 4 रन्स के लिए चली जाती है। ये इतना जोर लगा देते हैं कि बल्ला टूट कर दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है और एक हिस्सा पिच पर डांस करता हुआ दूर जाकर गिरता है। नंबर 11 शेन वाटसन। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच में शायकीन क्रिकेट को वाटसन का बल्ला टूटते हुए देखने को मिला। जब गेंदबाज ने गेंद को ऑफ साइड की तरफ डाला और वाटसन ने इसे 4 रन के लिए खेल दिया, लेकिन दोस्तों जब इन्होंने अपना बैट देखा तो वो दो टुकड़ों में बदल चुका था, क्योंकि इन्होंने जोर ही इतना लगा दिया कि बल्ले का टूटना तो बनता था और टूट गया। नंबर 13 दोस्तों ये लम्हा इंग्लैंड काउंटी क्रिकेट में देखने को मिला, जब बैट्समैन ने क्रीज छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला किया और गेंद को जोरदार तरीके से खेल दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि गेंद बाउंड्री के बाहर नहीं गई लेकिन इनका बल्ला ही टूट गया। बैट गया कहां, ऊपर गया। कीपर अपना सर बचा रहा। नंबर 14 ब्रैंडन मैकलम का बल्ला। मैकलम की पावर के बारे में भला कौन नहीं जानता। गेंदबाजों की धुलाई करनी हो या बल्ला तोड़ना हो, मैकलम तो सबसे आगे थे। इनकी पावर ऐसा ही एक लम्हा बिग बैश लीग में देखने को मिला, जब ब्रैंडन मैकलम ने गेंदबाज की धुलाई करने के चक्कर में अपना ही बैट तोड़ दिया। बहुत तेज मारते थे यार ये शॉट। IPL के पहले मैच में इन्होंने 158 शायद स्कोर किया था अकेले, बहुत तुड़ाई मचाई थी। नंबर 15 जुहान बोथा। अफ्रीकन स्पिनर जुहान बोथा के नाम से तो आप सब वाकिफ हैं। इनका शुमार भी ऐसे बैट्समैनों में होता है जिन्होंने शॉट खेलने के चक्कर में अपना बैट तोड़ दिया था। ये लम्हा बिग बैश लीग में देखने को मिला, जिसने शायकीन क्रिकेट को खूब इंटरटेन किया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय। का भी था इसमें, शोएब अख्तर का ऐड नहीं किया उन्होंने। ये मैच था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 2004 में खेला गया ये मैच, 2004 जब बालाजी बैटिंग के लिए आए थे, जब शोएब अख्तर बॉलिंग के लिए आए और बालाजी क्रीज पर मौजूद थे। शोएब अख्तर बॉलिंग के लिए आ रहे थे कि बालाजी ने बीच में ही क्रीज से हट गए और शोएब अख्तर ने यही समझा कि शायद वो रेडी नहीं है। क्रेडिट आप बैट्समैन को भी जाता है और कुछ क्रेडिट ख़राब लकड़ी को भी जाता है मेरे हिसाब से। मुझे ये पूरा वीडियो देखने के बाद तो यही पता चलता है कि कहीं ना कहीं स्पिनर जो थे उन्होंने तो कुछ नहीं किया था, और ना उस पर इतने तेज़ शॉट्स मारे थे कुछ वीडियोस में मैंने देखा, तो वो कहीं ना कहीं कुछ क्रैक लकड़ी में हो या कुछ हो ऐसा जिसकी वजह से वहाँ से बल्ला टूट गया। तो कुछ ऐसे भी थे बॉलिंग में जहाँ आप यकीन नहीं कर सकते यार ये बॉलर कैसे तोड़ सकता है, उस पर इतना तेज़ शॉट भी नहीं मारा है। स्पिनर पर कितना भी तेज़ शॉट मार दो बल्ला टूटने के चांस नहीं रहते हैं, फास्टर पर रहते हैं। जब एक स्पीड से बॉल फेंक रहा है 135-140 की भी मान लीजिए आप, और उधर से बहुत ही तेज़ जान लगाकर आज शॉट लगाया जा रहा है, बैट घुमाया जा रहा है, तो आप कह सकते हैं कि 140 की स्पीड इधर से और पता नहीं 150-200 की स्पीड इधर से अगर आप बैट घुमाएं तो दोनों का जब टकराव होगा तो कहीं ना कहीं असर आपको बैट पर देखने को मिल सकता है। आप कह सकते हैं कि तब टूट सकता है बैट। मोस्टली ख़तरा रहता है बैट की, जो हम हैंडल जो पकड़ते हैं उसको कैंची बोलते हैं हमारे यहाँ, उस जो कैंची पकड़ते हैं वहाँ से टूटने का ज़्यादा चांस रहता है, क्योंकि वो बाहर की तरफ से लगाई जाती है, वो अलग होती है बैट से चिपकी हुई।
तो वो टूटने का ज़्यादा चांस रहता है, लेकिन बैट नीचे से भी टूटे हैं। फास्टर्स हैं उनकी आप कह सकते हैं, जैसे मैकालम है वो बहुत तेज़ शॉट मारने के लिए बैट घुमाते हैं पूरी जान लगाकर, ऊपर से उनके सामने अगर फास्टर हो तो वो कॉन्टैक्ट जो रहता है कह सकते हैं कि वो बैट तोड़ने वाला हो सकता है। एटली शोएब अख्तर जैसे बॉलर्स जो पहले के रह चुके हैं, और उमेश यादव अच्छी बॉल अच्छे पेस फेंकते थे, तो ये कुछ ऐसे बॉलर्स हैं जो बैट तोड़ने के लिए मशहूर थे और स्टंप्स तोड़ने के लिए मशहूर थे। जी हाँ, आप कह सकते हैं कि इनकी बॉल पर बैट टूट सकता है, यकीन कर सकते हैं ब्लाइंडली। जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, लाइक करके शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए कोई भी सजेशन हो कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।